हेलो गर्ल्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि फ्रेंड्स जो है उसको मालूम पड़ता है कि MML जो है उनके टीचर जो है जो फ्रेंच पढ़ाते हैं वो स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं, और फ्रेंड्स जो है बड़ा दुख महसूस करता है उसके लिए, और वो कहता है माय लास्ट फ्रेंच लेसन। क्या आज हम MML हमको पढ़ाएंगे, वो मेरा इस लास्ट लेसन होगा फ्रेंच लैंग्वेज का। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से ही तो ये सब लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब और कुछ भी नहीं सीख सकता हूँ। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे शायद यहीं पर पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज जो है मैं अब मैंने फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन जो है अच्छी तरह नहीं पढ़े उसके लिए मैं आज दुख महसूस कर रहा हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं केवल खेतों में पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा और खेत वृक्ष सार यानी वृक्ष वृक्षों की डालियों को पकड़ कर फिसलता रहा। मैं खेलने में ही मस्त रहा लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की। माई बुक्स देर हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, वो किताबें जो मुझे ख़राब और फालतू नज़र आ रही थी, सो हैवी टू कैरी, जो मुझे उठाने में भी भारी नज़र आ रही थी, मेरी ग्रामर की बुक, माई हिस्ट्री ऑफ साइंस जो संतों का इतिहास करके जो फ्रेंच लैंग्वेज की बुक्स है, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स, अब तो ये मेरी पुरानी दोस्त बन चुकी थी। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और MML जा रहे हैं, देट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, क्या अब मैं MML को वापस नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, है ना, ये सब विचार कि अब MML जो है यहाँ से हमारे मेरे टीचर चले जाएंगे, मेड मी फॉरगेट, क्या मुझे उनके जो रूलर थे उनके हाथ में जो रूलर रहता था उनको और वो जो अजीब तरीका व्यवहार करते थे, क्या मुझे वो बुलाना पड़ेगा। पुअर मैन, बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, अच्छा ये बेचारे हैं MML जो है इसीलिए आज वो लास्ट लेसन पढ़ाने वाले हैं, आज उनका लास्ट डे है हमारे स्कूल में, तभी शायद उन्होंने आज ये संडे के जो स्पेशल ड्रेस है वो उन्होंने आज पहन रखी है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड Why the old man of the village was sitting there in the back bench of the room? अच्छा, और जो गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आज इस क्लास की लास्ट बेंच पर क्यों बैठे हैं, अब मुझे समझ में आया। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. अच्छा, ये बुज़ुर्ग लोग जो है जो कभी स्कूल नहीं गए थे आज वो स्कूल आए हैं क्योंकि हमारे मास्टर को उनकी 40 साल की सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं ये लोग, और शायद इसीलिए स्कूल आए हैं। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और वो उस कंट्री के लिए अपना जो है सम्मान जो दिखाने भी आए हैं जो अब उनका नहीं है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ ऑल दिस, फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल, तभी मैंने देखा कि मुझे मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब प्रिंस पार्टिसिपल के जो रूल्स बोलने का जो टाइम था वो मेरा था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, लेकिन मैं पार्टिसिपल के रूल के बारे में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है और मैं बिना मिस्टेक किए और बिल्कुल क्लियर नहीं बोल पाया और नहीं बोल पाऊँ क्लियर नहीं बोल पाऊँगा। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मैंने केवल एंड आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और मैं कैसे भी करके बोलने के लिए वहाँ खड़ा रहा तैयार रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग
और मैं अपनी डेस्क पकड़कर सिर्फ खड़ा रहा। मेरा दिल जो है वो ज़ोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत मुझ में सर के सामने देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, और मैंने सुना कि मिस एम हैमल कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड यू ना डांटना, कि मैं आई वॉन्ट यानी आई विल नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, है ना, और तुम अपने आप को यू मस्ट फील बैड इनफ, और तुम खराब फीलिंग मत लाओ, है ना, तुम डरो मत। सी हाउ इट इज़, देखो ये सब क्या था, क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, देखो क्या होता है कि हम रोज़ क्या कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टमोरो, और मैं कल याद कर लूँगा। हम आज का काम जो है कल पर छोड़ देते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आप देखो हम कल पर जब हमने काम छोड़ा तो हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। आ दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सॉस, ये तुम्हारी ही नहीं पूरे एल्सॉस के लोगों के साथ मुश्किल की बात है, बड़ी मुश्किल चीज़ है। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि सब लोग जो है कल सीखने पर ही निर्भर हो जाते हैं कि आज का काम आज नहीं कल करेंगे, यही सोचते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, लेकिन नाउ दोज फेलोज आउट देयर, लेकिन अब जो है हम ऐसी जगह ऐसी स्थिति में खड़े हो गए हैं कि बाहर के लोग आएंगे हमारी कंट्री पे जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, और वो हमसे कहेंगे हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो, लेकिन क्यों फ्रेंच मैन कहने का प्रिटेंड करते हो, बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स तुम इतने ख़राब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स विद, इस बात पे तो हमको एक दूसरे को धिक्कारना चाहिए कि हम सब ऐसे हैं कि आज का काम कल पे छोड़ते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न Enough to have you learned, और तुम्हारे माता पिता ने भी तुम पर कोई ध्यान नहीं दिया, तुम्हें सिखाने का कुछ उन्होंने कभी सोचा नहीं। They performed to put you work on a form at the meal so as to have a little more money, और उन्होंने तो केवल यही सोचा कि तुम्हें किसी मील पर काम पर लगा दिया जाए ताकि तुम पैसे कमा सको। एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी इस बात के लिए दोषी हूँ कि तुम नहीं सीख पाए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, क्योंकि मैं भी तो तुमको रोज़ अपने फूलों को पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए कहता था। इंस्टीड ऑफ लर्निंग यूअर लेसन, मैं तुम्हें अपने पाठ याद करने को नहीं कहता था बल्कि अपने पौधों को पानी देने के लिए कहता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग या मछली पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, मैंने तुम्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनादर एम मिस्टर हैमल वेन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, इस तरह से एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज की एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर आते आते बातें करते गए। Saying that it was the most beautiful language in the world, और उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा जो है संसार में सबसे सुंदर भाषा है, the clearest and the most logical, ये साफ सुथरी भाषा है और बड़ी ही तर्कपूर्ण भाषा है। That we must guard it among us, हमको अपनी भाषा को संजो कर रखना चाहिए। And never forget it, उसे भुलाना नहीं चाहिए। Because when people are answers as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो उनकी भाषा ही ऐसी उनके प्रिजन की चाबी होती है, उनकी भाषा ही उनके लिए उनके जेल की चाबी बन जाती है। देन
ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मुझे ये सब समझ में कैसे आ रहा है। ऑल ही सेड सीम टू इजी सो इजी। आज एम हेमल जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे बड़ा सरल बहुत ही सरल सुनाई दे रहा है लग रहा है। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। मुझे लग रहा है कि मैंने इतना अच्छे से उनको कभी सुना ही नहीं जितना मैंने आज सुना है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और शायद उन्होंने भी बड़ा मन से आज हमको समझाया है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा है कि ये बेचारे एम एम एल जो है जाने से पहले हमें सब कुछ सिखा देना चाहते हैं। टू पुट इट ऑल इन टू अवर हैड्स एट वन स्ट्रॉन्ग। और वो एक बार में ही हमारे दिमाग में सब कुछ डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। और ग्रामर पढ़ने के बाद हमें राइटिंग करने के लिए कहा गया। दैट डे एम हेमल मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज। और आज मिस्टर हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेके आए हैं। फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सास। और उस किताब उस कॉपियों पे बड़े ही घुमावदार राइटिंग में लिखा गया है। सुंदर सी राइटिंग में फ्रांस एल्सास लिखा गया है। दे लुक्ड एज लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और हमारी सारे बच्चों की डेस्क पर वो कॉपियाँ इस तरह रखी गई है। ऐसा लग रहा है कि स्कूल में चारों तरफ जो है हम फ्रांस के झंडे जो है वो टंगे हुए नज़र आ रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और आप देखें कि हम सब यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और आप देखेंगे कि हम लोगों ने उस दिन इतना अच्छे से काम किया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। पूरी क्लास शांत थी उस दिन। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर। केवल पेपर पे लाइन खींचने की आवाज़ें आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। है ना। और हमारे क्लासरूम में कुछ झिंगूर जो थे वो उड़कर आ गए थे लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। नॉट इवन द लिटिल वंस। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। और वो भी अपनी कॉपी में मछली पकड़ने के हुक को ट्रेस कर रहे थे बना रहे थे उसकी ड्राइंग बना रहे थे। एज इफ देट वॉज फ्रेंच टू। जैसे कि वो भी फ्रेंच ही थे। वो हुक भी जैसे फ्रेंच ही उन्हें नज़र आ रहे थे अपने नज़र आ रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो। लेकिन आज कबूतर जो है वो छत पर जो बैठे हैं बड़ा ही धीमे धीमे स्वर में कू कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ। और मैं सोचने लगा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या उन्होंने कबूतरों को भी जर्मन भाषा में ही कू करने के लिए बोला है। किसने? पर्शियन लोगों ने। क्योंकि अब पर्शियन ने हमारी जर्मनी पे सॉरी फ्रांस पे जो है जर्मन लोगों ने जो है फ्रांस पे अधिकार कर लिया है। और क्या जर्मन लोग जो है वो क्या उन्होंने आज कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटरगू करने के लिए कह दिया है। तो ये आज तक का लेसन है। आप उसको अच्छे से समझें। थैंक यू।